हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से ममता ब्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ, ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है, आज पता है मैंने ब्लॉग नहीं अच्छे से शूट कर पाया, सुबह नहीं बना पाया, क्योंकि मेरा ब्लॉग ये दोपहर से स्टार्ट हो रहा है। कितने बज गए? 2 बज रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कल थी गणेश चतुर्थी, परसों कल की छुट्टी थी आपकी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है किले दो। और देखिए आज आज मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो गई है। सुबह से कल से लाइट नहीं आ रही है, कल 11 बजे से। पावर हाउस का पावर हाउस में 2 तार कट गए तो फिर वो गए। हाँ फूक गए, ट्रांसफार्मर फूक गया है, पूरा फट गया फूकने। तो इस वजह से लाइट नहीं आ रही है कल 11 बजे से। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है लाइट की। और देखिए जनरेटर आज मंगवाया है, जनरेटर से वो टंकी भरी जाएगी। तो अभी लेने गए हैं, ये लेके आते होंगे तब टंकी भरी जाएगी। पानी भी नहीं है बिल्कुल, तब तक हम लोग ना तो लिया था सुबह, सभी लोगों ने नल से निकाल निकाल के, लेकिन कपड़े वगैरह तो कुछ नहीं धुल पाए। और आज मम्मी सप्लाई सप्लाई वाला पानी आया था, मैंने यहीं पर पानी नल से निकाल लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, आज सप्लाई वाला पानी भी नहीं आया है हमारे यदुवंश नगर में। सुबह आया थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए, तो उसमें भी थोड़ा ज्यादा नहीं भर पाई। तो देखिए फ्रेंड्स, कल गणेश चतुर्थी थी और गणेश जी का पूजन वगैरह ये किले है। अब मम्मी किले से खेली है, बताओ मम्मी, छोटी बच्ची है मैं हूँ ना, तो दिखा दो क्या है, वही तो मैं दिखाने वाली थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बच्चों की भी आज छुट्टी हो गई है, क्योंकि जहाँ पे ये स्कूल जाते हैं वहाँ भी लाइट नहीं आ रही है, तो इस वजह से ये भी नहीं स्कूल गए आज। तो देखिए फ्रेंड्स, नहीं छुट्टी कर दी। हाँ तो पानी की वजह से ही तो छुट्टी हो गई, पंखा वो लाइट की वजह से, पंखा एसी चलेगी नहीं तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, गर्मी भी हो रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये किले लेकर आते हैं, खुला है। अच्छा हाँ। इससे हम लोग बनाएंगे गणेश जी, कैसे बनेंगे गणेश जी? अगर गणपत बप्पा मोरिया बनाएंगे, कैसे बनेंगे गणपत बप्पा, वो मैं अभी आपको अगर बन जाएंगे तो जरूर दिखाएंगे आगे वीडियो में। और देखिए फ्रेंड्स, तो और आराध्या आप पढ़ाई करो अपनी, बैठ के चलो पढ़ाई करो बैठ के। तो देखिए फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है पानी की वजह से। और यदुवंश नगर वाले बताएं किसे किसे दिक्कत हुई है जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। आराध्या दिखाना के लिए अपनी आगे बेटा, और कौन सा कलर, 2-3 कलर लेके आई थी ना, 4, वो कहाँ और कहाँ कर दी ना, मिक्स कर दिया तभी ये गंदी गंदी है, वैसे ये अच्छी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो नहीं वो चिपचिपी आई थी। अच्छा हाँ, तो पहले तो हम लोग खेलते थे मिट्टी से, अब ये बच्चों की ये रुपए से मिट्टी आती है। हाँ तो यही तो 5 रुपीस का ये हमारे यहाँ 20 रुपए, पता उनने ऐसे दे दे 4-4। हमारे यहाँ ये फ्री में मिलती है, पता है कहाँ पर मिट्टी? हम तुम किसान मामा के घर से फार्म से जाते हैं, रोड पे चलते चलते जाते हैं, तब वो वैसा पड़ा है खंडा जैसा, उसी में मिल जाती है फ्री में, कोई पैसे भी नहीं लेता है। हैं कलर वगैरह स्टेशनरी सब सब आप यहाँ पर पैसे रुपए से भी लेके जाया करो, उसी में हम डुबकी मारियो, तुम डुबोए भी है, डुबकी मार मार ढूंढती रही हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए किले लेकर आई, फालतू के रुपए डाले हैं इसने, 50 रुपए, 5 कलर लेके आई थी, 50 नहीं कितने लेके आई, 4 कलर थे ना, कितने के आते? अच्छा 5 का एक आता है, मुझे लगा 10 का एक आता है, कितने का आता है 5। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे हम एक नया आइटम बना के दिखाती हूँ। देखिए जो शादी में ज़रूरत पड़ती है, शादी ब्याह में,
वो मैं गुना बना के दिखाती हूँ, देखिए कैसे बनता है। और ये तो चिपक रहा है, देखिए आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। अगर आप लोगों को सीखना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने किले से बनाया है गुना, ये देखिए अच्छा लग रहा है। दो गुना। रुको रुको, मुझे खाना है। अरे रुको, दिखा तो दें। अरे आपने तो तोड़ दिया, ये देखिए फ्रेंड्स। मुझे खिलाओ। ये देखिए, रुक जा बेटा, मुझे खाना है। ये देखिए, ये कैसा लगा है आप लोगों को एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे खाना है तो खाना है तो इसकी शादियों में जरूरत पड़ जाती है। रुक जाओ, देखिए फ्रेंड्स मैंने गुना बना के तैयार कर दिया है। जैसे बार दिखाओगी बना बन हुआ सीखना हो तो पिंक लग रहा है इसमें, बता सकते हो आप। वैसे स्किन कलर का है, जैसे बनाया जाता है आटे का वैसे भी बना के दिखा सकती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने इरेज भी कर दिया, और देखिए दोबारा से बना के दिखाती हूँ। रुक जाओ थोड़ी देर, सिखा दें, है ना। आप बना लो भी ऐसे आप जरूर, और आधे आके इससे कुंडल भी बन जाएंगे, देखा ना, देखना। मेरे दो दो बना तो कहीं जाइएगा ना, ही ब्लॉग मेरा पूरा देखिएगा। देखिए अभी मैं कान के झुमका बनाने जा रही हूँ आराध्या के, इसे पिलाएंगे बना के। पूर्वी बोला ना, फिर दे आराध्या। हाँ पूर्वी मत बोलना। हाँ तो झुमका पहनोगी आप? सच्ची बताओ? आ जा। तो देखिए फ्रेंड्स हम झुमका पहनाते हैं आराध्या को, क्योंकि आज ये स्कूल नहीं गई है, तो यही तो काम करना है। ऐसे फालतू में पैसे डाल के आ गई हैं, देखो आ जा इधर आ ऊपर देखो। तो देखिए फ्रेंड्स आज आराध्या के झुमका आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार कमेंट जरूर करिएगा। रुकना आराध्या रुकना, ये निकल गया है थोड़ा सा, ये देखिए। बताओ तो आप, मैं डिजाइन भी बदल सकती हूँ। हाँ ऐसा कर लो, ऐसा अच्छा लगेगा, है ना। ये लोग अच्छा लगता है। अब इधर का देखो ना, कौन सा ये कलर नहीं अच्छा लगा वैसे तो अच्छा, ये वाला अच्छा लगता, देखो। हाँ अब दिखाओ, ये देखिए फ्रेंड्स आराध्या के कुंडल। हाँ गोल गोल कर दिया। हाँ बदल दिया ना। तो ये आराध्या के कुंडल आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आज मेरा ये ब्लॉग दोपहर 2 बजे से स्टार्ट हुआ था, और पता है फ्रेंड्स आज लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, और अभी जनरेटर आया है तो अभी तक की बरी जाएगी। तो और मेरे कपड़े वगैरह भी धुलने के लिए रखे हैं, बहुत ज़्यादा काम है आज, नहीं हो पाया पानी की वजह से। अगर पानी ना हो तो कुछ हो ही नहीं पाता है। तो लाइट के कल से नहीं लाइट आ रही है, इन्वर्टर भी डाउन हो रहा है, बिल्कुल ही डाउन हो गया है इन्वर्टर, और टंकी में भी पानी नहीं है, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है बहुत ज़्यादा। तो देखिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा इतना ही, और मिलूँगी अगले ब्लॉग में। और अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना एक बार कि मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट ज़रूर करना। और देखिए फ्रेंड्स मैंने टॉक्स पहने थे, मेरे कान पूरे सूज गए हैं, और इधर से ब्लड निकलने लगा, तो मैंने सोचा निकाल देती हूँ। पीछे पेच जो थे, ये देखिए ब्लड निकल रहा है, ये देख पेच जो थे बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे थे, तो मैंने निकाल दिए हैं टॉक्स। अब मैं कुंडल पहनूंगी, टॉक्स से वो हवा नहीं जाती है अंदर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा पहन नहीं पाती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा इतना ही, मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।